नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है लेकिन आप उसे ध्यान से देखना, क्योंकि प्रोफेशनल थंबनेल बनाना यदि आपको नहीं आता है तो दोस्तों आपकी वीडियो बिल्कुल भी वायरल नहीं होगी। लोग उसी पे क्लिक करते हैं जो उन्हें दिखता है, जो उन्हें अच्छा लगता है। यदि आपने अच्छा थंबनेल नहीं बनाया है और उनके सामने जब वीडियो जाएगी और उसमें थंबनेल अच्छा नहीं हुआ, उसमें टाइटल वगैरह जो भी कुछ भरते हैं उसमें अगर वो अच्छा नहीं होगा तो उसे क्लिक नहीं करेंगे, आपकी वीडियो नहीं चल पाएगी। तो सबसे पहले आपको थंबनेल बनाना आना है और बहुत ही ईजी है। बढ़िया ऐप बताऊँगा, बहुत ही अच्छा ऐप बताऊँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, उसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप लोगों को एक ऐप जो है डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सल ऐप। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर देना। और इंस्टॉल करने के बाद में फिर जो है क्या होगा, आपको पिक्सल ऐप को खोल लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। हमें एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो टेक्स्ट लाया है इसको हम कर देते हैं यहाँ पे डिलीट। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को बड़े आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इससे वीडियो को आप सेव भी कर सकते हो। जब आप थंबनेल बनाओगे, दो तीन थंबनेल बनाओगे, फिर आपको आ जाएगा थंबनेल बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है। हमें इसका साइज जो है सेलेक्ट करना होगा, इमेज साइज में हम क्या करेंगे, हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद में इसमें लिखा हुआ आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल, ये इस पर करने के बाद में आपका जो है साइज सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद में हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हमें क्या करना है, इसका कलर चूज करना है बैकग्राउंड का। ठीक है दोस्तों, तो बैकग्राउंड के कलर में जाने के बाद ये कलर का ऑप्शन है, आप इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद में कलर को ओके करेंगे। कलर को ओके करने के बाद में इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, आप इधर से उधर कोई सा भी आप कलर चूज़ कर सकते हो। आप ये कलर चूज़ कर सकते हो, उसके बाद में आप येलो ले सकते हो, कोई भी कलर आप जो भी आपको पसंद लगे वो कर लेना। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए ब्लैक कलर को चूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने ब्लैक कलर ले लिया। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें चले जाना है इम्पोर्ट पे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक ये ले लेना है। तो इसको क्या करना होगा, इसे हमें एक कोने पे लगा देना है दोस्तों। अब इसका कलर भी हमें चूज करना पड़ेगा। इसके कलर के लिए हम जो है ले लेते हैं, कलर ओके करेंगे। तो इसमें रेड कलर आ गया है, फिलहाल हम रेड ही रहने देते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करके इसको इस कोने पे इस तरह से लगा देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे दोस्तों। कॉपी करने के बाद में दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हम इधर लगा देंगे या इधर लगा लेते हैं रेड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में एक हम इस कोने पे लगा देंगे और इस बार इसका कलर हम चेंज कर लेंगे दोस्तों। कलर के लिए कलर में जाएंगे। कलर में जाने के बाद अब इस बार कलर लेंगे हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। ग्रीन कलर लेके ये ग्रीन कलर ले लिया और इसको थोड़ा सा सेट कर लिया। सेट करने के बाद में इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद में फिर हम इसको कॉपी कर लेंगे दोस्तों। कॉपी करने के बाद में फिर हम इस ग्रीन कलर को इधर की साइड में लगा देंगे और इसको फिर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इस बार हम फिर कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, इस बार हम इसका कलर ले लेंगे येलो। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये आ गया येलो। येलो कलर ले लेंगे और उसको थोड़ा सा सेंटर में लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे होंगे आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लगने लगा है, जैसा ब्लैक कलर था अब हमारा बैकग्राउंड जो थोड़ा सा अच्छा हो गया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जाएंगे साइड में, इसमें जाने के बाद में इनको जो है हम लॉक कर देंगे। इनको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में बैक आएंगे। बैक आने के बाद इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद में हम जो है अपने टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद में हम जो है ये ले लेंगे। इस तरह से लेने के बाद में, ये वाला टूल लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है बड़ा कर लेंगे पूरी स्क्रीन पर। पूरी स्क्रीन पर लाने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको लगा के फिर हम जो है जाएंगे ओपेसिटी पे। ओपेसिटी पे जाने के बाद में हम इसको थोड़ा सा लाइट कर लेंगे और इसको जो है लगभग कर लेंगे हम 25 के आसपास में
छोड़ देंगे। देखना दोस्तों अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 20 18 20 भी कर सकते हैं, 20 20 के आसपास कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में कुछ इस तरह का हमारा जो है लुक आ जाएगा। अब हमारा जो है बैकग्राउंड बनके तैयार हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, यदि आपको अपनी फ़ोटो लगानी है तो आप इसमें अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। उसके बाद में जाएंगे हम फिर से इम्पोर्ट पे, और इम्पोर्ट पे जाने के बाद में जो भी आपको फ़ोटो लगाना है, मान लो मैं ये वाला फ़ोटो लगा रहा हूँ तो मैंने इसको ओके कर दिया है। ओके करने के बाद में फ़ोटो हम जो साइड में लगा देंगे, इस साइड में इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं इधर से खींच के। इसको आप कितना चौड़ा भी कर सकते हो, नेड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने साइज़ के हिसाब से, आपको क्या क्या टाइटल लिखना है उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। इस टाइप से अपना जो फ़ोटो लगा देना है और इसको कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद में फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा जो फ़ोटो है, एक सेकेंड, उसके बाद फ़ोटो हमारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा दिखे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा स्टॉक्स पे। स्टॉक पे जाएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये जो है थोड़ा सा हम जो है मोटा कर लेंगे। इसमें कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने वाइट लिया हुआ है, आप इसे ब्लैक भी ले सकते हो, रेड भी ले सकते हो, कोई भी कलर आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी वाइट लिया हुआ है तो वाइट लेके हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में फिर हम जाएंगे शैडो पे, इसकी शैडो पे जाएंगे। शैडो पे जाने के बाद शैडो को ओके करेंगे। ओके करने के बाद में इसको शैडो को हम जो है थोड़ा सा फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद में ओके करेंगे। ओके करने के बाद में शैडो हमारी लग के तैयार होगी। शैडो को सेट करने के बाद में हम इसको लॉक कर देंगे। हमारा फ़ोटो जहाँ पे हमें लगाना है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब क्या करना है, थोड़ा सा हमें अलग से और थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा फ़ोटो बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से प्लस पे हम क्लिक करेंगे और सेव जो है सेव पे जाएंगे। सेव पे जाने के बाद में हम इसको जो है पूरा लास्ट तक ले आएंगे, ये गोल शेप हो जाएगी। सो गोल शेप होने के बाद में हमें क्या करना होगा, इसको हमें फ़ोटो के पीछे लाना है। अब ये फ़ोटो के पीछे कैसे आएगा, फ़ोटो के पीछे आएगा दोस्तों, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में ये जो है हम इसको यहाँ से पकड़ के और इसको फ़ोटो के नीचे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या होगा, हमारे फ़ोटो के नीचे चला जाएगा। देखो ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो के पीछे आ गया है। उसके बाद में हम इसका जो है कलर लगाएंगे इसमें। फिर कलर लगाने के लिए हम कलर पे जाएंगे, कलर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हम इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं, मान लो कोई भी आपको जो अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हो, ये ले सकते हो कोई भी कलर, जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से कलर आप ले लीजिए। मैं थोड़ा सा येलो देंगे, हाँ ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर ग्रेनेट में जाता हूँ, ये भी सही है, चलो ये वाला कलर ले लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों क्या करना है, हमें इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में फिर से वहीं पे जाना है और इस वाले को हम लॉक कर देंगे और उस वाले को उठा के इस वाले के भी नीचे ले आएंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि ये जो हमारे इसके पीछे पहुंच जाए। अब पहुंचने के बाद में फिर से हम कलर लगाएंगे, इसका कलर कुछ अलग से लगा लेंगे जिससे थोड़ा हमें दिख जाए, येलो करके देखते हैं एक बार कैसा लगता है। हाँ ये भी सही दिख रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, ये सही दिख रहा है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप उसको ले सकते हो। उसके बाद में हमें क्या करना है, अभी इसका जो है बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्टॉक पे जाना है, स्टॉक को ओके करेंगे तो इनका बॉर्डर बन गया। थोड़ा सा इन्हें अट्रैक्टिव सा ले आएंगे, इस तरह से ये हो गया। यदि ऊपर वाले का भी आपको बनाना है तो आप इसी तरह से जाएंगे वापस, वापस जाके उसका लॉक खोलेंगे, इसका लॉक लगा देंगे। लॉक खोलने के बाद में वापस आएंगे, वापस आने के बाद में इस पर क्लिक करेंगे और इस क्लिक करने के बाद में फिर आप शैडो पे जाएंगे और स्टॉक्स पे जाएंगे। स्टॉक पे जाने के बाद में आपका जो है ये थोड़ा सा छोटा बड़ा आप जैसा करना चाहो कर सकते हो। अब देखना, अब फ़ोटो भी आपका अच्छा दिख रहा है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, फिर से हम जो है इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में हमें क्या करना है, हम जाएंगे इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट पे जाने के बाद में फिर से हम एक टूल उठाएंगे, तो ये वाला टूल उठाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह से सेट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे करके इस तरह से हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टूल हो गया। अब इसका हम कलर यदि चेंज करना चाहें तो कलर पे जाएंगे, कलर ओके करेंगे। ओके करने के बाद में रेड रेड लग रहा है तो रेड, ब्लू लग रहा है तो ब्लू, तो हम कोई भी कलर ले सकते हैं, हम ब्लू ले लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
रेड लेने के बाद में ओके कर देंगे, ओके करने के बाद हम वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद में क्या होगा दोस्तों, हम जो है इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको उठा के और यहाँ पे ले आना है, इससे ऊपर थोड़ा यहाँ पे ले आना है, ताकि ये हमारा जो है गोलो को और हमारे सिर के पीछे पहुँच जाए। ये देखिए दोस्तों अब ये पहुँच चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे हम टैक्स, टैक्स पे जाएंगे, इस पर जो है इस टैक्स को उठा के यहाँ लाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में इसमें हम लिख देते हैं थंबनेल बनाना सीखें। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो है थंबनेल जो है बना दिया है, थंबनेल बनाना सीखें दोस्तों। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके जो है फॉन्ट को चेंज करना है। थंबनेल बनाना सीखें ये हमने लिख लिया, उसके बाद में आप जो भी टाइटल होगा आपका वो आप लिख सकते हो, मैं तो आपको सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, हमें जो है ये जो थंबनेल बनाना सीखें, जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं इसको थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए, इसलिए हम इसके फॉन्ट को जो है चेंज करेंगे। इसमें आप जो है ये वाला फॉन्ट लगा सकते हो, ये अच्छा है, थोड़ा सा दिख जाता है सही से। ठीक है दोस्तों, और इसको एडजस्ट कर लेना है अपने उसके हिसाब से, आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद में क्या करना है आपको, आपको जाना है स्टॉक्स पे, स्टॉक को ओके करेंगे, ओके करने के बाद में इसे ऊपर करेंगे और थोड़ा सा स्टॉक कुछ बड़ा बना देंगे जिससे अच्छा सा दिखे। उसके बाद में शैडो पे जाएंगे, शैडो को भी ओके करेंगे और शैडो को जो है अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ये शैडो ठीक है। ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके कलर पे जाएंगे, जो भी कलर आपको लिखना है कलर पे जाएंगे। कलर पे जाने के बाद में हम जो है इसको किसी भी कलर से लिख सकते हैं, यदि रेड के ऊपर हम येलो से लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है, तो ये वाला हमने बना लिया। तो ये देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा दिख गया। अब हम क्या करना है, हमें जो है लॉक करने से पहले इसको थोड़ा जो है इसको हमें कॉपी कर लेना है, ताकि हमें जो है दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। कॉपी करने के बाद में हम इसको कर देंगे लॉक, इसको लॉक कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं दूसरा टाइटल, दो मिनट में, दो मिनट में। ठीक है जी, हमने ये लिख दिया दो मिनट में, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको। बड़ा करने के बाद में आप इसको यहाँ पर लगा सकते हो, थोड़ा सा छोटा करके आप यहाँ पे लगा लीजिए। इसका जो है कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसी कलर का ऊपर लगा हुआ है। कलर पे जाएंगे, कलर पे जाने के बाद में इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं, वाइट ले लेते हैं। वाइट लेने के बाद में हम इसको जो देख लेते हैं कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। यदि इसमें हमें दो मिनट में, अब ये पूरा कलर एक ही है, यदि आपको अलग अलग कलर का बनाना है तो हम कोई भी कलर चूज करके उसके बाद में दोबारा इसी कलर में जाएंगे। दोबारा में कलर्स में जाने के बाद में फिर हम इसे ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो दो मिनट में। इसमें यदि हमें दो खाली दो को दूसरे कलर का करना है तो हम खाली दो पे लाके और इसको कर देंगे, ये हो गया रेड कलर का। ठीक है दोस्तों, ऊपर जो है हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमें खाली जगह दिख रही है इसमें भी हम जो है कुछ लगा देते हैं, हमें ये मिलेगा, इसको ओके कर देना है इस तरह का। ये जो है हम इस तरह के एक दो ऐसे ही थंबनेल वगैरह दिखाने के लिए लगा देते हैं। फिर से हम जाएंगे इंपोर्ट में, इस तरह से इनको हम हमें जो है दोस्तों यहाँ पे सेट कर लेना है, जो भी हमने लगाए हैं थोड़ा छोटा बड़ा करके सेट करके इन्हें साथ के साथ लॉक करते जाना, ताकि ये जो हिले ना। यदि आप फोटो लगा रहे हो तो यदि आपको थोड़ा तिरछा वगैरह करना है तो आप यहाँ से ये आप देख रहे हो फोटो, फोटो के यहाँ पे जो ये तीर का निशान है ये, इससे आप तिरछा वगैरह कर सकते हो फोटो को, किसी भी फोटो को आप तिरछा भी कर सकते हो। यदि आपको लगाना है तिरछा फोटो, तिरछा या सीधा, कोई आपका फोटो थोड़ा तिरछा है उसको आपको सीधा करना है तो वो भी आप इसी से कर सकते हो। तो यहाँ पर करने के बाद में हमें जो है इस तरह से हमें इसे लगा देना है, लगाने के बाद में हम इसे कर देंगे लॉक। अब हमें क्या करना है, थोड़ा इधर की साइड में जो खाली जगह है यहाँ पे भी हम कुछ लगा देंगे, कुछ अलग से लगा देंगे, डॉलर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो फिर से हम जो इंपोर्ट में जाएंगे, जो भी ये आपको मटेरियल चाहिए ये हमारी टेलीग्राम आई डी पे पड़ा हुआ है, टेलीग्राम आई डी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ पर से जाके आप हमारी टेलीग्राम आई डी से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कहीं भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे आइटम हैं जो आपको मिल जाएंगे।
फिर से इंपोर्ट में जाएंगे। दोस्तों फोटो के ऊपर जैसे चेहरे ये लगाते हैं, दोस्तों जैसे ये लगा हुआ है, ये मैंने पने बनाए तो उठा लिए थे, तो आप इस तरह करके आप अपने नए थंबनेल पे भी इस तरह से लगा सकते हो। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये इसको इधर पकड़ लेते हैं, ये देखिए दोस्तों ये लग चुका है। इसी तरह से आप जो है इसको फिर लॉक कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद में आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, इमोजीज लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं वो। दोस्तों तो ये मैंने कुछ जो खाली जगह थी वो भर दी है, ऐसे ही आप लोग भी भर देना। और उसके बाद में हमें जो है इनको सबको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में दोस्तों फिर हमें क्या करना है, इसको करना है अपने इसमें डाउनलोड। अब डाउनलोड करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे ऊपर सेव पे, डाउनलोड करने के सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे जाने के बाद में अल्ट्रा, अल्ट्रा पे जाएंगे, अल्ट्रा पे जाने के बाद में गो टू गैलरी में सेव कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों गो टू गैलरी में सेव हो जाएगा, उसके बाद में आपका डाउनलोड हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप प्रोफेशनल थंबनेल बना के और अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी वाली वीडियो आपके यूट्यूब पे मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।